हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीट एंड आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा। वेल, आज की वीडियो होने वाली है, मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे पुल प्रूफ हैक्स जो आपके अगर सेगी ब्रेस्ट है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हेल्प करेंगे आपको ये जो मेरे हैक्स हैं उसको टाइटन अप करने में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ सो दैट अगर आप वो गलती कर रहे हैं आप वो गलती ना करें और फिर आपको सोल्यूशन दूंगी, राइट। वीडियो बहुत लेंथी नहीं है, छोटा सा है, ध्यान से सुना, गौर से सुना हर एक बात। स्किप करोगे सोल्यूशन पे तो प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, और अगर सोल्यूशन यूज भी करते रहोगे और गलती कर रहे हो तो रिजल्ट आपको पता है नहीं मिलते हैं। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अब ब्रेस्ट सेगी होने के देयर आर मेनी 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 रीजन। पहली रीजन तो ये जो मोस्ट लोगों को होता है, मोस्ट फीमेल को होता है, दैट यू आर मैरिड, आपका बच्चा है, ब्रेस्ट फीड करते हो, कुड बी द रीजन नंबर वन। नंबर टू, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पे हो, कोई बीमारी है, PCOD, PCOS, थायराइड, डायबिटीज, एनी बीमारी जिसकी वजह से दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयाँ कुड बी द रीजन सेगी ब्रेस्ट होने का। नंबर टू। नंबर थ्री, आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आप खान पीन आपका अच्छा नहीं है, आप बाहर का जंक वंक खाते हो, जिससे जब जंक खाते हो तो ब्रेस्ट साइज बड़ी हो जाती है और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो वो लटकना शुरू हो जाती है, लूज होना शुरू हो जाती है, सेगी होना शुरू हो जाती है, राइट। कि आपका खान पान अच्छा नहीं है, ये भी रीजन होता है। चौथा, आप बिल्कुल परफेक्ट साइज की ब्रा नहीं पहनती हैं, कुड बी द रीजन ऑफ योर सेगी ब्रेस्ट। एक सही नाप की ब्रा पहनना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपने अपनी ब्रेस्ट को शेप में रखना चाहती हैं तो। फाइव, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल पीती हैं। छः, अगर आप स्मोक करती हैं तो दे कुड बी, ये सारे रीजन हो सकते हैं। और ये बिसाइड दिस देयर इज अनदर रीजन, तो अगर आप जब आपकी अगर आपकी एज 30 है तो ऑटोमेटिकली बाय द एज ये रीजन तो है ही है, पर अगर आप 30 साल की हैं, 35 की हैं, तो बाय द एज धीरे धीरे आपकी ब्रेस्ट सेगी होती ही रहेगी। द रीजन बिहाइंड इज कि जब हम जवान होते हैं, यंगस्टर हैं, हमारी स्किन कितनी सप्पल होती है, खींचते हैं, फिर धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ना हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, नॉट इवन ब्रेस्ट की, पूरी बॉडी की, राइट। तो उसके पीछे रीजन होता है कि हमारी बॉडी में ना कोलेजन की कमी होना शुरू हो जाती है। कोलेजन क्या होता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। अब बचपन में बच्चा है कोई, उसके आप स्किन को ऐसे खींचेंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी आएगी, राइट। अब आप मेरी स्किन खींचो, कोलेजन है क्योंकि मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, तो स्किन वापस चलेगी अपने उसी शेप में। अब आप किसी बुजुर्ग, अब आपके घर में दादा नानी है या 40-45, सबके मम्मी पापा भी, उनकी स्किन को ऐसे खींचोगे ना, वो धीरे धीरे जाएगी, हमारे राइट आफ्टर चली जाती है, क्योंकि अभी भी कोलेजन है बॉडी में, स्किन में इलास्टिसिटी है। तो वो काम करता है कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखने का, जो बाय द एज धीरे धीरे कम होने लग जाती है कुछ हमारी खान पान या इन आदतों की वजह से। तो इसीलिए ब्रेस्ट सैगी हो जाती है, सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, झुर्रियां पड़ जाती है बाकी स्किन। तो क्या करें रीटा, जब आपको प्रॉब्लम लग गया कि कोलेजन इज द प्रॉब्लम, तो हमें कोलेजन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब कोलेजन लेने के दो तरीके हैं, ठीक है। वन इज आप सप्लीमेंट ले सकते हो, अब सप्लीमेंट कोई बुरा नहीं है, लाइक व्हेन इट कम्स टू कोलेजन, आई नो ओजीवा, उनके बहुत अच्छे जो हैं, ओजीवा की जो विमेन की रेंज है वो बहुत अच्छी है, ओजीवा का आता है कोलेजन, आप वो पीना शुरू कर सकते हो। वीगन है, वेज है, कोई नॉन वेज वाला कोई कंटेंट नहीं है कि फिश पेप्टाइड है ऐसा कुछ। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वेज कोलेजन का भी, नॉन वेज का भी, क्योंकि फिश पेप्टाइड आते हैं मरीन ऐसे वैसे करके, मैं खुद जो पीती हूँ वो फिश पेप्टाइड, फिश कोलेजन है, वेज नहीं है, नॉन वेज है। तो वेज और नॉन वेज दोनों तरह के कोलेजन आते हैं, जिनको आपने लाइक एक गिलास लिया, उसमें एक चम्मच डाला, स्टर किया, पी लिया, दिस थिंग वन कि आप सप्लीमेंट कर सकते हो कोलेजन का। दूसरा, आप फूड या फ्रूट से ले सकते हो, गो टू गूगल, चेक आउट देयर, देयर आर मेनी फ्रूट्स जिनका अगर आप कंजप्शन ज्यादा उसमें मात्रा में करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी में कोलेजन की मात्रा को इंक्रीज करेगा, पर क्योंकि वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आई सजेस्ट कि सप्लीमेंट, ये कोलेजन है, दिस इज द बेस्ट, यू कैन ट्राई दिस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और साथ में कुछ फ्रूट्स भी खाइए, तो ये आपकी स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, राइट। अब दूसरा, पहला तो कोलेजन ऐड करना है अगर सेगी ब्रेस्ट से छुटकारा पाना है। द सेकंड वन इज सेकंड है कि आपको अपने लिए राइट साइज की ब्रा चूज करनी चाहिए और सपोर्ट वाली। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी ब्राज आप अच्छे सपोर्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, और जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत अच्छी कवरेज देता है आपकी ब्रेस्ट को और सपोर्ट देता है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी, क्योंकि एक राइट साइज की ब्रा होना बहुत ज़रूरी है जो सपोर्ट भी करे। अब आपने ब्रा पहनी है लेकिन उसका पतला सा कपड़ा है और वो ऑलरेडी आपकी जो है वो फिट नहीं आ रही है, लूज है, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो भी, तो राइट साइज की ब्रा इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड इज You should massage your breast every day, like every day. अगर बहुत सेगी हो गई है तो ऑयल,
विटामिन ई, जो विटामिन ई ऑयल होता है वो स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आपने पता क्या करना है, आप चाहो तो हर बार नया तेल बनाए या हर एक ही बार बना के रख दे, हर बार नया ऑयल बनाना हो तो एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल ले लिया, उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल तोड़ के डाल दिया, अच्छे से मिला लिया और हल्का सा बिल्कुल गुनगुना सा गर्म करके अपने हाथों में लेके अपनी ब्रेस्ट की मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, राइट। और ये मसाज आपको 2-4-5 मिनट करनी है दोनों साइड। वंस डन अपनी कोई परफेक्ट फिटिंग की ब्रा पहन लीजिए, अगर आपकी ब्रेस्ट सैगी है तो ये भी बता दीजिए, रात को मसाज कीजिए और परफेक्ट फिटिंग की ब्रा पहन के सो जाइए। ब्रा आप पहन सकती हैं क्योंकि जब अगर आपका साइज बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली आप लेटते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो उस शेप में डिफरेंट शेप में चली जाती है और कहीं ना कहीं सैगी होना शुरू हो जाती है। और लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें था अपने ब्रेस्ट साइज को बड़ा करें और टाइट करें, उस वीडियो पे ओवर 3 मिलियन व्यूज हैं, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अराउंड 1 साल पहले पोस्ट की थी, उसको बहुत प्यार मिला है, लोगों ने ऐसे ऐसे कहा कि फाइनली कोई वीडियो मिली जो एक्चुअल में वर्क कर रही है। वो एक्सरसाइजेस डेली बेस पे करना शुरू कीजिए, कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, रात को मसाज कर रही है तो सुबह उठ के जब भी आपको 10 मिनट का 10 मिनट किए हैं एक्सरसाइजेस 10 मिनट का टाइम मिले वो कीजिए, रात को मसाज कीजिए, कोलेजन सुबह सुबह ऐड कर लीजिए और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही यूल गोना सी अमेजिंग डिफरेंस आपके ब्रेस्ट साइज में विद इन 1 मंथ कि आपकी जो लूज सेगी ब्रेस्ट थी वो टाइटन अप होना शुरू हो जाएगी। पर ये जैसे मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ सिंगल हैंडेड काम नहीं करती, ना सिर्फ मसाज काम करेगी ना सिर्फ एक्सरसाइजेस, यू नीड कि आप ये भी डालो क्योंकि मेन कल्प्रिट है यहाँ पे कोलेजन, आपका राइट फिट का ब्रा ना पहनना और वो लूज होगी ऑब्वियसली, उसको टाइट करने के लिए जैसे बॉडी को मोटी हो जाती है लूज करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टाइट करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही ब्रेस्ट भी एक मसल ही है, उसको भी टाइट करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन में इन हैक्स को करेंगे तो यू विल गोना सी अमेजिंग रिजल्ट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आप इसको ट्राई करेंगे, रिजल्ट मेरे साथ शेयर करेंगे। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल गाइस।